हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। हमारी सोसाइटी में हर साल की तरह इस साल भी इंडिपेंडेंस डे का अच्छा से सेलिब्रेशन हुआ है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और फिर फ्लैग होस्टिंग हुई और उसके बाद हमने सुबह सुबह ये नाश्ता बनाया जो कि तिरंगे जैसा दिख रहा था बिल्कुल। ओके क्या क्या है, नसें हैं बॉडी में? ऐसा थोड़ी ना होता कि भगवान ने सिर्फ ऐसे ऊपर से ढांचा बना के छोड़ दिया और अंदर खाली। दिखती है ना, मेरी भी दिखती है, देख कितनी दिख रही हैं। इसमें क्या है, सब दिखती है इसमें क्या है? और मीनिका तो रेडी हो गई है 15 अगस्त के लिए, अभी हुई नहीं है मतलब, पर आज सलवार सूट पहना है गुड़िया रानी है, नाश्ता कर रहा है, फिर जाएगा नीचे, अभी सोसाइटी में प्रोग्राम होगा ना, मेरी चिड़िया आ गई दाना चुगने। चलो चिड़िया को दाना चुगने दो और अभी हम सब नीचे जाएंगे। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। नीचे सोसाइटी में प्रोग्राम है, स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम होता है यहाँ पे हर साल, अच्छे से जो है तिरंगा फहराया जाता है, बच्चे अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और सोसाइटी के बच्चे, उन सबको प्रोत्साहन मिलता है इन सब चीज़ों से। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। तो मैं सोसाइटी के प्रोग्राम से अब वापस घर आ चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत काम मुझे भी घर में करना है। अभी खाना बना नहीं है, आलू के पराठे ही बनाने हैं मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस जल्दी से खाना बना देती हूँ। दिन में आज हमको पानी की टंकी लेने जाना है, स्टील की टंकी, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे जो है किचन में से प्लास्टिक निकालूंगी सारा, मतलब ख़त्म कर दूंगी ऐसा प्लास्टिक जिसमें जो ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे पानी का जो बर्तन होता है उसमें पड़ा ही रहता है ना पानी, तो भी ऐसी चीज़ों से तो थोड़ा निकाल देंगे प्लास्टिक बिल्कुल। वैसे तो टपरवेयर था लेकिन फिर भी मैं निकाल दूंगी, बहुत साल हो गए उसको। ये मेरा चटोरा बच्चा, चलो मम्मी जी पानीपुरी खिला दीजिए। हाँ मेरा पेट भुक्कड़ है, ये पानीपुरी मांग रहा है, चलो चाबी ले ली, हाँ उसको मीठा दो पहला फिर तीखा, खाओ खाओ खाओ। काने लिया है मलाई और मस्क मेलन, दोनों एक ही जैसे कलर दिख रहे हैं। कितना क्यूट है। तो हम लोग आ गए खा पी के और आज जो है 15 अगस्त का त्यौहार हमारे देश का सबसे बड़ा। आज अभी 9 बज रही है, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा और मेरा तो बस एक कहना है यही सब लोगों से कि ये पूरा देश हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखो, सारे देशवासी हम सब एक दूसरे के हैं। क्योंकि हम मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब इंडिया से बाहर लोग चले जाते हैं ना, वहाँ पे ना सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब जो इंडियन कम्युनिटी होती है वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी होती है, यहाँ पे कम्युनिटी होती है गुजराती कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, यहाँ ऐसे होता है। जब इंडिया से बाहर चला जाता है इंसान ना, तो वहाँ वो किसी भी कम्युनिटी का हो इंडिया में, वो वहाँ जाके इंडियन ही होता है, वहाँ जाके अच्छा आप इंडिया से, वहाँ चलो अब हम सारे त्यौहार साथ में मिलके मनाते हैं वहाँ पे, मतलब तो वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए इंडिया में भी यार, है ना। वहाँ पे जो है इंडियंस जाते हैं वहाँ पे गंदगी नहीं करते क्योंकि वहाँ फाइन लगता है, यहाँ पे इंडियंस हम लोग सब जगह फैला देते हैं, कचरा कर देते हैं। तो सिर्फ फाइन के डर से नहीं यार, अपने देश प्रेम के लिए भी करो थोड़ा बहुत, बाकी देशवासियों से प्रेम करो, देश से प्रेम करो और मेरे से प्रेम करो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो, मैं भी देशवासी हूँ तो तुम्हारी बहन हूँ, फॉलो करो ठीक है। चलो अब 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत बधाई हो और अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।